तो दोस्तों आज मैं मिलाना चाहता हूँ, आज हमारे पास सनी जी हैं और इनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया है और इनको समथिंग अगर देखा जाए तो आज प्रेजेंट टाइम पे 1.5 महीने से ऊपर हो गया, 2 महीना होने जा रहा है। 2 महीने इन्होंने अपना पूरा समय दिया, टाइम दे करके पूरा प्रैक्टिकल किया और सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक क्लास करते थे। इनके बैच में कम से कम 12 से 14 जितने भी सारे स्टूडेंट थे सब लोगों का पूरा कोर्स कम्प्लीट हो गया, वो लोग सीख करके अपने घर चले गए। लेकिन इनका हाथ प्रैक्टिकल में हाथ थोड़ा सा वीक था। जब प्रैक्टिकल में हाथ वीक था तो हाथ वीक होने के बाद इन्होंने ये सोचा कि सर मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करूँगा, शुक्र रख दीजिए, थोड़ा सा सर मैं और प्रैक्टिकल करूँगा। और प्रैक्टिकल करने के बाद इन्होंने बोला कि सर मैं 8-10 दिन 15 दिन यहाँ पर और प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ ताकि मेरा हाथ स्ट्रॉन्ग हो जाए। दूसरी बात क्या है कि 5-6-10 मोबाइल फ़ोन में बना करके देख भी लूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल किया, क्योंकि आगे का सर का एक ही एम है कि मैं जा करके सीधे अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप खोलूँगा। और इससे पहले मैं 8-10 दिन 15 दिन एक हमारे दोस्त हैं उनकी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान है और उनके साथ में काम करेंगे ताकि हमारा हाथ भी साफ़ हो जाएगा और हमको काम करने का आइडिया हो जाएगा। तब तक बीच में हम कुछ पैसों का अपना अरेंजमेंट कर लेंगे। इस काम को करने के लिए टोटल 25 से 30 हज़ार रुपये का सामान का टूल्स का खर्चा लगता है, वो टूल्स हमको लेने होते हैं। क्योंकि अगर हमने नॉलेज ले लिया, हमने काम सीख लिया, सब कुछ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे पास औजार नहीं होंगे, हमारे पास सामान नहीं होगा, हमारे पास टूल्स नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि हमको काम करने में परेशानी आएगी। तो इसके लिए सर ने सोचा कि मैं पहले 15-20 दिन कहीं काम करूँगा, उसके बाद फिर जब हमारे पास सारा सामान सारा अरेंजमेंट जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप को ओपन करेंगे। और जब मेरे पास सीखने के लिए सर आए थे तो इससे पहले कहीं और ट्रेनिंग के लिए गए थे, इनके साथ में एक और दोस्त था वो भी सीखने के लिए आया था। तो सर ने बोला कि जब मेरे पास ज्वाइन किया था इन्होंने तो उन्होंने बहुत बोली थी कि सर हमारा दोस्त कहीं और सीखने के लिए गया लेकिन मैं आपके पास आया हूँ और कोशिश ये करिएगा कि सर हम अच्छी तरीके से सीख करके जाएँ। तो हमने बोला था कि सर आज आप जैसा आपने फ़ोन से मुझसे बोला हुआ है तो हम ये बात आपको ज़रूर बोलना चाहेंगे कि जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी आप निराश नहीं जाएंगे और अच्छी तरीके से सीख करके जाएंगे। हमारे पास जो भी बच्चे जो लोग सीखते हैं तो उनके लिए एक ही टारगेट होता है कि 45 दिन का समय है, 45 दिन में हम सिखा देते हैं। अगर उसके बावजूद भी समय ज़्यादा लगता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, क्योंकि दुनिया जान में सारे लोग तो एक बराबर नहीं होते, तो कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, किसी को सीखने में समय लगता है। अगर किसी को 10-12 दिन 15 दिन समय लगता है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसको समय देने की ज़रूर ज़रूरत है कि समय उसको देना पड़ेगा और उसको अच्छी तरीके से सीख करके जाएंगे। तो आज सनी जी आपको फीडबैक देंगे कितना टाइम सीखते थे, ताकि और भी लोग जो हैं जो सीखना चाहते हैं, जो बिहार से जितने सारे स्टूडेंट हैं जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि खाली सनी जी ही नहीं, वहाँ से और भी मेरे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ड्रॉप आउट होकर के आज मेरे पास यहाँ कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि अच्छी तरीके से सीख करके जाएं। और यहाँ पर सबसे बड़ा अच्छा सीखने का एक मेन फैक्टर ये भी रहता है कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है। तो मोबाइल फ़ोन के मार्केट होने का फ़ायदा ये मिलता है कि बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हमारे पास बनने के लिए आते हैं, या कानपुर के अंदर अगर 50-60-100 किलोमीटर दूर अंदर कहीं भी किसी का भी मोबाइल फ़ोन ख़राब होता है, अगर उसका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है तो बनवाने के लिए बात सोचता है, तो जब कहीं नहीं बनता तो कहते चलो सागर मार्केट चलो वहीं मोबाइल फ़ोन बनेगा। और जब सागर मार्केट वाले ने मोबाइल फ़ोन मना कर दिया तो फिर जब वो कहीं मोबाइल फ़ोन दिखाता है कहते भैया सागर मार्केट से फ़ोन लौटा है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो जो बंदा कारीगर जो भी मोबाइल फ़ोन को देखता तो पहले छोड़ देता, भाई सागर मार्केट से वापस आया है, वहाँ पर सब लोग एक से एक बड़े बैठे हुए हैं, पहले ही मोबाइल फ़ोन को इतना देख लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी आखिरी सांस होती है। जैसे कानपुर में नहीं है, जब आदमी कहीं बीमार हो जाता है, जब नहीं ठीक होना तो कहते उसको हैलेट ले जाओ, हैलेट में तो बच ही जाएगा तो मर ही जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी आखिरी स्टेज होती है। उसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर कहीं भी मोबाइल फ़ोन जब नहीं होता या उसका कोई सामान नहीं मिलता तो उसके लिए लोग सागर मार्केट आते हैं ठीक कराने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों का एक फ़ायदा ये मिलता है कि उनको प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा मिलता है, और जो मोबाइल फ़ोन आते हैं तो सब लोग मिल करके मोबाइल फ़ोन बनाते हैं तो उनको सीखने को मिलता है और स्टूडेंट को भी सीखने को मिलता है। तो सनी जी आप बताइए थोड़ा अपने बारे में, क्या क्या सारी चीज़ें सीख चुके हैं और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा। मेरा नाम, मैं बिहार के नालंदा ज़िला से हूँ। मेरा नाम सनी कुमार हुआ, मैं बिहार के नालंदा ज़िला से हूँ। मैं लगभग 1 मार्च को आया था, आज 2 महीना होने को जा रहा है। मैं अच्छी तरह से कोर्स कंप्लीट किया और राघवेंद्र सर, मोहित सर, अमित सर के नेतृत्व में और अच्छा से प्रैक्टिकल किया। आज मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, आज मेरे को सर्टिफिकेट मिल रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ
मुझे कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। सीखने में बहुत तरह सपोर्ट दिया गया अच्छी तरह से। जब भी मैं सर से पूछता था, जब भी सर सपोर्ट करते थे, अच्छी तरह से सिखाते थे, बताते थे, समझाते थे, और मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो लोग बाहर से सीखने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं देखो एक मैं बात फैक्ट सी बात होती, कहने वाली बात होती कि जब आदमी घर से बाहर से इतना दूर रह करके सीखने के लिए आता है तो अपनी दुनियादारी सारी परेशानी को छोड़ करके बाहर सीखने आता है। मतलब वो भी अपने एक फैमिली से जुड़ा होता है, वो भी चाहता है कि घर में जाकर खाना खाएं, घर में जाकर के आराम करें, अपने लोगों के बीच में रहें, फिर काम करें। लेकिन आज वो इतना दूर उतना मेहनत करके हमारे पास जब सीखने के लिए आते हैं, इतनी दूर से ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, तो एक सबसे बड़ी बात ये महत्व रखती है कि वो अपना पूरा समय देते हैं। पूरा समय देने के साथ साथ वो ये भी ध्यान रखते हैं कि हमको कैसे सीख करके जाना है, खाना क्या खाना है, कैसे रहना है, हमारे कपड़े गंदे हैं कि साफ़ हैं। क्योंकि हमको पता है हम सारे स्टूडेंट के साथ में रहते हैं या सब लोग एक साथ रहते हैं, कंट्रीब्यूट करके रहते हैं, तो हमको उस परेशानी को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। जब आदमी देखो कहते नहीं, आदमी की अहमियत तभी पता चलती है दो जगह पर, जब घर से बाहर जाए और जेब में पैसा ना हो। दूसरी चीज़ खाना कहाँ मिलता है, सामान कहाँ मिलता है, राशन कहाँ मिलता है, कोई चीज़ कहाँ पर मिलेगी, ये सारी बातें पता नहीं होती, तभी उसको असलियत में अहमियत होती है। बाकी घर में तो जब जाता है ना तो खाना हो चाहे ना हो, फिर भी कहता है जाओ मम्मी खाना ले आओ, उसको मिल जाता है। लेकिन जब बाहर जाता है तब उसको अहमियत होती है कि अगर वो परेशान होता है, लेटा होता है, तभी उसको पानी भी पीना है, तबीयत ख़राब है तो भी खुद ही उठ के पीना है, तभी उसको असलियत में अहमियत पता चलती है। तो मैं सारे स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि आप लोग आते हो, इतना मेहनत से सीखते हो, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, ये आप सारा इसलिए सीखते हो ताकि अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने बेहतर कल के लिए, और आप सीख करके अच्छे से स्टैंड हो, अच्छे से खड़े हो, और अच्छी तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम करो। जितने भी सारे लोग हैं जो मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपने कस्टमर को हमेशा संतुष्ट करके भेजेंगे कि जो भी आपके पास मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराने के लिए आएगा तो उससे आप वाजिब पैसा लेंगे। दूसरी बात क्या है, उसके मोबाइल फ़ोन में जो कमी होगी उसी कमी को ठीक करेंगे, उसी चीज़ का पैसा लेंगे। तीसरी चीज़ क्या है, मोबाइल फ़ोन ठीक करने के बाद अगर कल को उस कस्टमर के साथ में कोई थोड़ी बहुत दुविधा होती है, कोई परेशानी आती है, तो आप उसे गलत बर्ताव नहीं करेंगे और उसको अच्छे से काम करके देंगे, ताकि जब आपके साथ में कस्टमर हैप्पी रहेगा, लोग अच्छे से जुड़े रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आपके पास अगर 100 मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आएंगे तो 100 मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो हम 50-60 आदमी का मोबाइल फ़ोन बना करके दे रहे हैं तो कम से कम अगर उनके अंदर कोई कमी आती है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसको दोबारा से उसको देखें। ना कि मान लिया कोई कस्टमर आपसे कोई चार्जिंग कनेक्टर बनवा के ले गया और 2 दिन बाद चार्जिंग नहीं होने लगता है, तो आप उसको ये आंसर नहीं देंगे भैया तुमने ख़राब कर दिया, तो आप उसको यही आंसर देंगे भैया ख़राब हो गया, अलाव मैं देख लेता हूँ, कोई कमी होगी तो ऐसे ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत कमी में ठीक हो जाता है तो आप उसको ठीक करके दे दीजिए, ताकि वहाँ पर तू तू मैं मैं वाली बात ना हो और आप उसके काम को अच्छे से करके दे पाएँ। अगर जब आप संतुष्टि से काम करके दे पाएंगे तो वो भी खुश रहेगा और आप भी कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं रहोगे। हमेशा ऊपर वाला उस इंसान को कभी दुखी नहीं रखता जो आदमी दूसरे को कभी दुखी नहीं रखना चाहता। तो आप लोग भी हैप्पी रहें और अपने साथ में जो भी कस्टमर हैं उनको भी हैप्पी रखें, उनके अच्छे से मोबाइल फ़ोन रिपेयर करके दें और अपने टूल्सों पर फोकस करें, नया नया हमेशा अपडेट होते रहें, यूट्यूब वीडियो से माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीखते रहें, जो भी नई नई चीज़ आती है उनके बारे में जानकारी लेते रहें। भाई ज़िंदगी में कहते हैं अपडेट होने का कोई आज तक इंजेक्शन नहीं बना है कि कोई आदमी अपने अंदर मेडिकल स्टोर में जाए इंजेक्शन लगवा लाए या किसी कोचिंग में जाए इंजेक्शन लगवा लाए और कहते भाई हम अपडेट हो गए। अपडेट होने का एक ही तरीका होता है कि एक बार पहले हम पूरी नॉलेज को ले लेते हैं, जब पूरी नॉलेज हमको मिल जाती है तो जो नई नई चीज़ें आती हैं वो YouTube के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लोगों से जुड़े रहते हैं, नई नई चीज़ों को टेक्निकल देखते रहते हैं, तो जब उनको देखते रहते हैं तो उनके माध्यम से हमको नॉलेज मिलती रहती है। जैसे जैसे हमारे पास टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जैसे धीरे धीरे करके अपडेट होती रहती हैं, तो हमारे पास खुद ही टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो जाती है कि आपको कभी ज़िंदगी में कहीं सीखने के जाने की ज़रूरत
नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट सीख करके गए हुए हैं या सीख करके जा रहे हैं उनके लिए मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सीखने के बाद कोई दिक्कत आती है, कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आप सीखने के बाद भी हताश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, कोई काम नहीं कर पाते या किसी समस्या से कोई परेशानी आ जाती है, तो आप हमको कॉल करके हमसे मदद ले सकते हैं और जो भी मेरे से हो सकता है या मेरे लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा और आप संतुष्टिपूर्वक अच्छी तरीके से काम करते रहेंगे, क्योंकि हम इतने साल से काम कर रहे हैं और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी कमी को शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जो अगला जो स्टूडेंट है उसके साथ में ऐसी परेशानी ना हो। जब उसके साथ में ऐसी परेशानी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि आपको कभी नहीं कहेगा। जैसे कोई भी आदमी जब गुटखा खाता है तो सब आदमी कहते हैं भाई गुटखा बंद कर दो, गुटखा बंद कर दो, लेकिन जिस आदमी के गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है तो उसका कहने का तरीका कुछ अलग ही होता है, क्योंकि वो परेशानी को झेले पड़ा है। क्या है? परेशानी को झेले पड़ा है, तो वो बोलेगा भाई इसको मत खाओ नहीं तो हमारी तरह तुम भी मर जाओगे, अभी तो हम लाखों रुपए देकर गए हैं कैसे कहते कर्जा काट के। तो उसी तरीके से क्या रहता है कि इंसान जब अपनी परेशानी को देखता है तभी सामने वाले को डाइवर्ट करता है। तो हमने बहुत सारी परेशानियाँ देखी हुई हैं, समझा हुआ है, तो आज आपके साथ में एक ऐसा एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करते हैं ताकि आपके लाइफ में कभी परेशानी ना आए, आप अच्छी तरीके से काम करें और मेरे लिए बहुत आपके लिए बहुत सारी विशेष हैं, आप अच्छी तरीके काम करें, हमेशा संतुष्ट रहें और अच्छी तरीके काम करें। कभी कोई प्रॉब्लम आए तो परेशान मत होइएगा, फ़ोन ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों।